हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमित स्टूडियो में। आज की ये वीडियो 12 क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। लेसन 5 आपका चलेगा। लेसन 5 की ये पहली वीडियो, यानी कि आज से लेसन 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो लेसन 5 का नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो आपको द्रव्य तो वैसे खत्म सा ही कर दिया है, यानी कि आपके लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, उनकी परिभाषा वगैरह, ये सब कुछ खत्म कर दिया। और साथ में आपका चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये खत्म कर दिया है। तो इस चैप्टर में ये चीज आती है, तो वो तो खत्म, तो जो खत्म है उसको मैं बता दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के इस चैप्टर के, स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई आवेश होता है और वो गति करता है, या कोई धारावाही चालक गति करता है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो ये भूचुंबकत्व पढ़ेंगे। तो भूचुंबकत्व क्या हो गया आपको पता ही चलेगा, भूमि भूमि और चुंबकत्व में चुंबक, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी के, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, उसको भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चुंबकत्व पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें चुंबक, इसके बारे में थोड़ा सा जानो कि चुंबक क्या है। तो ये चुंबक शब्द आया कहां से, यदि हम बात करेंगे चुंबक की, तो देखिएगा, ये देखो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है चुंबक। तो ये चुंबक सबसे पहले ये कहां से आया? यूनान के एक द्वीप, यूनान का एक द्वीप है, द्वीप जानते हो आप, मैग्नेशिया, वहां जगह का नाम है, वहां से आया था। वहां से क्यों आया? क्योंकि वहां पे बहुत साल पहले, लगभग आज से 600 ईसा वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष का मतलब समझ रहे हो, देखो अब क्या है, ऐसे अब मान ली 2020 चल रही है, तो 2020 से पहले जाओगे 1001 मतलब और पहले जाओ तो, ठीक है। तो मतलब क्या है, इस तरीके से होती है सन, पहले तो ऐसा सब सन का मतलब ही समझो। देखो यहाँ पे है 0 से 1 2 3 4 ऐसी करके यहाँ पे आ गई 2020, समझ में आ गई बात। ये 0 कहां पे? जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहां पे क्या है? 0। अब ये यहां तक तो 2001, जैसे 1 2 3 4, 2001 2002, इस तरीके से इसमें तो प्लस में बढ़ती है, इसमें बढ़ती है माइनस में। माइनस का मतलब ईसा मसीह से 1 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, ऐसे ही यहां से, तो यहां से पीछे पहुंचो और यहां से और आगे इधर की साइड में जाओगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, यहां से हमने बात करी 600 ईसा पूर्व का मतलब समझ में आ गई, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 600 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो मतलब 2020 तो ये हो गए और पहले पहुंच जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या है, वहां की हम यदि बात करें तो वहां पर एक क्या था, यानी कि जो मैग्नेशिया जो जगह थी, वहां पर बहुत सारे चुंबकीय अयस्क मिलते थे, चुंबकीय अयस्कों के बहुत विशाल भंडार थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहां पे जो काम करने वाले थे, तो वहां पे जो काम कर रहे थे, तो उनके जो उस समय की बात है जब वो मतलब लकड़ी की चप्पल वगैरह, यानी लकड़ी के जो खड़ाऊ जिस टाइप के होते हैं उस तरीके के पहनते थे, वहां पे वो धातु की उसमें वो कीले वगैरह लगाते थे, और आपकी जो लटिया वगैरह होती थी लटिया के ऊपर भी वो कीले, यानी लटिया का मतलब धातु का एक फॉल टाइप का लगाते थे, ठीक है, या धातु की वो। तो वहाँ पे क्या है, उन पर बहुत ज़्यादा उसका चुंबक का प्रभाव देखा गया, तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब वहाँ पे काम करने में परेशानी और वहाँ पे चलने फिरने में परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था चुंबक का। तो वहाँ से ये जब वैज्ञानिकों ने सोर्स किए, रिसर्च किए, जब वहाँ से पता चला, ठीक है। उससे ही पहले की एक और घटना है, देखिएगा, यानी कि आज से लगभग 4000 पहले की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर चीन के एक सम्राट थे ह्विंगती, इसका जब आप नेट पे सर्च मारोगे ह्विंगती की विजय, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा जिक्र है कि उनकी जो बहुत मतलब एक जो ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो वहाँ पे दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि किधर चल रहे हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जब उन्होंने पता करा कि जो दुश्मन है उनका दक्षिण साइड में है, तो वहाँ के जो शिल्पकार थे, जो आज की भाषा में हम बोलें तो उनको इंजीनियर बोलते हैं, तो जो पहले भाषा में उसको क्या बोलते थे, शिल्पकार। तो शिल्पकार की उन्होंने क्या किया कि देखिएगा, शिल्पकार ने यानी कि एक ऐसी मूर्ति बनाई चुंबकीय अयस्क की, यानी चुंबक के द्वारा, ऐसा समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में, चुंबक की ऐसी मूर्ति बनाई कि वो इस तरीके से थी, उस एक यानी कि रथ पर ऐसे सेट की कि उसका हाथ
ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर दिया, समझ में आ गई बात, चुंबकीय रथ पर इस तरीके से उसका हाथ कर दिया, तो वो चुंबक की तो आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि वो हमेशा क्या थी कि दक्षिण की ओर और पूर्व की रहती है, तो वो हाथ इस तरीके से उन्होंने बनाई चुंबक की मूर्ति के, वो हाथ हमेशा दक्षिण की ओर रह गया, किधर की ओर रहेगा, दक्षिण की ओर, तो उसी रथ को सबसे आगे रखे और मतलब सीधे वो मतलब उन्होंने इसी आधार पर इसी की हेल्प से काफ़ी सारे युद्ध जीते थे। और सबसे बड़ी जो चीन के, ये तो उसके इतिहास में लिखी हुई है, आप नेट पर सर्च करोगे तो आ जाएगा हिंती की विजय का कारण क्या था, ठीक है। तो खैर छोड़िएगा, ये तो पुरानी बातें हुई, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। अब फिलहाल हम वापस से लौटते हैं अपने भूचुंबकत्व पर, तो भूचुंबकत्व तो समझ में आ गया, पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करना। अब बात रहती है कि भूचुंबकत्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने, तो सर विलियम गिलबर्ट ने 1600 में बताया था भूचुंबकत्व के बारे में कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसने बताया? पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, सबसे पहले किसने बताया था? सर विलियम गिलबर्ट ने। कौन सी सन में बताया था? 1600 में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आती है कि मतलब ये किस तरीके से उन्होंने क्या चीज बताई, तो उन्होंने सबसे पहले तो इसका ये दिया एग्जाम्पल कि भैया जैसे चुंबक को हम लटका देते तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, उसी तरीके से चुंबकीय सुई को यदि पृथ्वी के क्षैतिज तल में हम लटका दें तो वो भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये तो चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए ये। दूसरी बात, उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मतलब क्या है? जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को जीरो कौन कर सकता है? एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है एक नेगेटिव लेके आओगे तभी जीरो हो जाएगा ये, तो यानी शून्य बन जाएगा। उदासीन करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव, हम कह रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव यदि नेगेटिव हो, पॉजिटिव यदि जीरो हो जाए, उदासीन हो जाए, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे नेगेटिव जरूर होगा, तभी तो वो उदासीन होगा। इसी तरीके से यानी कि किसी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसको उदासीन, वो उदासीन मिलते हैं, यानी उसके कहीं पर जब हम चुंबक के हम बिंदु निकालते हैं तो उदासीन बिंदु उनको कहते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता शून्य होती है। तो जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो हमें दो बिंदु ऐसे मिलते हैं, एक इधर की साइड में, एक इधर की साइड में, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। तो मतलब क्या, मतलब ये कि यदि ये उदासीन बिंदु मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जरूर है जो इसको निरस्त कर रहा है। तो इस चीज का प्रैक्टिकल में पता चलता है कि मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा किसका होगा? पृथ्वी का, ठीक है। और फिर और एक और चीज, पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी में हम किसी लोहे की छड़ को गाड़ दें तो वो बहुत कई वर्षों बाद में कैसे चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये सारी जो प्रॉपर्टी ये दर्शाती है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह नहीं, एक बहुत बड़े विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब हम पृथ्वी से बाहर जाकर देखें तो पृथ्वी के अंदर भी ऐसे जैसे चुंबक के चारों ओर से जैसे इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इसी तरीके से आपका ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से भी इसी तरीके से आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी किसने, इन्होंने बताई थी। लेकिन बाद में ये चीज बात आई कि भाई पृथ्वी चुंबक की भांति तो व्यवहार करती है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो कारण के लिए भी उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी दी कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के गर्भ में बीचों बीच में क्या है, एक स्थायी चुंबक रखा हुआ बहुत बड़ा, जिसके कारण पृथ्वी चुंबक है। लेकिन ये बाद में फिर ऐसा ये थ्योरी इनकी डिस्ट्रॉय होगी, मतलब बेकार होगी। मतलब बाद में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर तो इतना ताप है कि कोई चुंबक या कोई पदार्थ रखेंगे तो उसका चुंबक तो रहेगा ही नहीं। बहुत सारी बातें आई निकल के, वो तुम्हें इतना नहीं पढ़ना है, ये जब आगे जब PhD वगैरह MSc वगैरह करोगे, जो टॉपिक भूचुंबकत्व तो लोगे तब आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ये तुम्हारे इंटर लेवल की बात नहीं है, छोड़ो मारो गोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपने सीधे सीधे अपने आते हैं भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिएगा, ये है तुम्हारा, अब स्टार्ट होगा इंटर का, तो ये पुरानी बातें आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और यदि अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अब ध्यान से समझते हैं, इन परिभाषाओं को समझेंगे, भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं। देखो कि हम यदि किसी चुंबक को, ऐसे चुंबक है या चुंबकीय सुई ले लीजिए, चुंबकीय सुई, उसको स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर ऐसे पृथ्वी का एक चक्कर लगवाएं, जब चक्कर लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, गोल दिखाई दे रही है, ठीक है। जब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी आपका
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है इससे। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको चुंबकीय सुई को घुमाएंगे तो ये दो स्थानों पर तो चुंबकीय सुई इस चुंबक के कारण सीधी हो जाएगी ऐसा करके, और दो स्थानों पर ऐसे, यानी कि दो स्थानों पर चुंबक, यानी कि पृथ्वी का तल इस तरीके से, क्योंकि पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है इस तरीके से, तो ये चुंबकीय यानी पृथ्वी की तल मान लीजिए, पृथ्वी का तल है, सपोज करो ये तल है, तो पृथ्वी के जब ये चुंबकीय सुई को हम ऐसे घुमाएंगे पूरा चक्कर लेंगे तो चुंबकीय सुई एक बार तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हो जाएगी पृथ्वी तल से घूमते घूमते घूमते, फिर एक बार ऐसे हो जाएगी और एक बार ऐसे भी हो जाएगी और एक बार ऐसे भी हो जाएगी। मतलब क्या कि दो स्थानों पर तो वो चुंबकीय तल के समांतर हो जाएगी और दो स्थानों पर चुंबकीय तल के लंबवत हो जाएगी। तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के या पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है, उन दो स्थानों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई कैसे हो जाए, लंबवत हो जाए, क्लियर है? लंबवत बोल दो या ऊर्ध्वाधर बोल दो। अब लंबवत होने के जो उत्तर की ओर होगा वो दो ध्रुव बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, देखो ये ना, तो इसको बोलेंगे हम ये चुंबकीय ध्रुव है, लेकिन कौन सा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या कहलाएगा? सॉरी, ये चुंबकीय कैसा, ये कहलाएगा आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये कहलाएगा आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये कहलाएगा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये वाला कहलाएगा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? जो उत्तर की ओर होगा वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर होगा वो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्लियर होगी बात? यानी कि जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत हो जाती है, उन दो स्थानों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा उसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो ये ऊपर उत्तर की ओर, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है? जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई यानी, और इन दोनों स्थानों को, इन दोनों बिंदुओं को यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। यह क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। समझ में आ गई बात? चुंबकीय अक्ष भी समझ में आ गया। अब बात आती है कि देखिएगा भौगोलिक ध्रुव क्या होते हैं। एक्चुअली में देखो, ध्यान समझना, जैसे प्रैक्टिकली हम बात करें तो चुंबकीय ध्रुव की स्थिति बदल भी सकती है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव की भौगोलिक ध्रुव की स्थिति नहीं बदलती है। ये क्या होता है, ये किस तरीके से पता चलता है? देखो भौगोलिक ध्रुव क्या होते हैं, जैसे जिस स्थान पर यानी पृथ्वी अपने ऐसे घूम रही होती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष होती है उसको हम पृथ्वी सतह से एक ऊपर बिंदु और एक नीचे बिंदु को हम क्या कहते हैं? अपना भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका उत्तरी भौगोलिक ध्रुव कहलाएगा, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो यानी कि ये जिन स्थानों पर यानी पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है तो उसके जो ऊपर का बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा आपका? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और ये क्या कहलाएगा आपका? नीचे वाला भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये अपने फिक्स होते हैं, वैसे ये काल्पनिक रेखा होती है लेकिन ये अपने फिक्स होते हैं, ठीक है? और ये क्या कहलाएगी आपकी? भौगोलिक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली क्या कहलाएगी? भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष कहलाते हैं। ये परिभाषा नहीं पता होंगी तो आगे वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए इनको बहुत जल्दी से कर लेना आप, ठीक है? अब देखो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है ये तुम्हें कंपिटेटिव एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, 11.5 डिग्री होता है, ठीक है? कितना होता है? भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है, यानी कि ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, ठीक है? तो वो कितना होता है? 11.5 माना गया है, ठीक है? तो ये सामान्य कोण के बाद, तो ये आपकी, ये दोनों के तीनों परिभाषाएं पता हो जानी चाहिए आपको। क्या पृथ्वी, यदि हम किसी चुंबकीय सुई को किसी धागे में बांधकर पृथ्वी का एक चक्कर लगाएं तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है उन स्थानों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं,
जो जो ध्रुव जो वह ध्रुव जो उत्तर की दिशा में होगा उसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की दिशा में होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के दो बिंदुओं को, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के दो बिंदुओं को जहां से चुंबकीय सुई गुजरेगी, यानी कि ये जो आपका पृथ्वी जहां पर ये पूरा हमने मान ली बहुत लंबी रेखा मान ली पृथ्वी के तल से ऊपर, पृथ्वी तल से नीचे, तो ये कहीं ना कहीं तो ये पृथ्वी को काटेगी। पृथ्वी की हमने यदि एक गोले में माने तो पृथ्वी को हमने ऐसा गोल मान लिया, तो ये जो अक्ष है कहीं ना कहीं तो पृथ्वी के गोले को टच करेगी, वो ही बिंदु को क्या कहलाते हैं आपके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यदि ये समझ में आ गई तो आगे की परिभाषा बहुत ईजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।